Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. Universe से मैं pray करती हूँ कि आप सभी लोगों की life बहुत ही beautiful and बहुत ही luxurious हो. Well, आज का जो हमारा topic है, जिसमें आप ये जानेंगे कि आपकी शादी किससे होने वाली है. मतलब ये जो मन में होते हैं ना tension, कि जिसको मैं जानती हूँ उसी से शादी होगी, या फिर कोई new person आएंगे या past के होंगे. तो yes, इस पर आज आपकी पूरी की पूरी डिटेल रीडिंग होने वाली है कि जिनसे आपकी शादी होगी, क्या वो इंसान आपके लाइफ में आ चुके हैं, क्या आप उनसे मिल चुके हैं, या फिर अभी उस इंसान से अभी आपको मिलना बाकी है. और अगर मिल चुके हैं तो कौन है वो पर्सन, और अगर नहीं मिले हैं तो भी कौन है वो पर्सन. यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी आपके फ्यूचर पार्टनर, मतलब फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के बारे में, कि उनका नेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, प्रोफेशन क्या है, नेम इनिशियल, कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं. और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ में क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये सब मैं आपको बताऊंगी. देन मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है, यहाँ से लेके मैरिज तक का सफ़र कैसा रहेगा वो तो आपको पता चलेगा, साथ साथ आपकी पूरी की पूरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो भी आपको मैं बताऊंगी. ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी क्या वो कार्मिक होंगे, सोलमेट होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे, ये भी बता दूंगी. और उसके साथ साथ लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, ये सब पता चलेगा. एंड देखिए, यहाँ पर आपकी रूल्स रीडिंग मैं करने वाली हूँ. रूल्स रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो डेफिनेटली रूल्स रीडिंग भी होगी यहाँ पे आपकी, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है. तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए. और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा. दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनली ले सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पर आप लोग जो है अपनी पर्सनली ले सकते हैं. और आप सभी लोगों का दिवाली ऑफर चल रहा है, ठीक है, और दो तीन दिन तो निकल ही चुके हैं, इसलिए जल्दी से अपनी बुकिंग कीजिए, सीट्स लिमिटेड है, ठीक है. और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक पे आप रीडिंग लेंगे उन सारे टॉपिक पे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलने वाला है. चाहे आप रूल्स रीडिंग लेना चाहे, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ, रिग्रेशन, कुछ भी, आप आराम से बुकिंग कीजिए. हर एक टॉपिक पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग होगी. तो जीमेल पे तो वैसे भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इंस्टा आईडी का जनरल लिंक क्लिक करके पहुंच जाइए. ओके, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं. वेल, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग सभी लोग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है. मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, सभी लोगों के लिए रीडिंग है. सभी लोग दिल खोल के देखिएगा, ठीक है. और जल्दी से पहले 1111 लिखकर या 333 लिखकर जो है एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, ठीक है. और रीडिंग को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की भी सहायता हो जाए और आपका कर्म अच्छा हो जाए, ठीक है. इसलिए शेयरिंग से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है ना, कर्म अच्छे होता है. वेल, अब मैं आपको बताऊँगी ये आप सभी लोगों को कैसे करना है पाइल सिलेक्शन. मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ. ओके, तो सबसे पहले अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेके जून के बीच में आता है तो पाइल वन आपकी रीडिंग होगी, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे पाइल टू आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है, कार्ड के पिक्चर पर आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है. जो भी पिक्चर आपको अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट कर सकते हो. दिस इज़ फॉर पाइल वन. ओके, पाइल टू अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आता है, ठीक है, तो पाइल टू आपकी रीडिंग होगी. और आपके लिए जो कार्ड है वो है दिस वन. तो जो भी कार्ड अच्छा लगे इंटिटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं, भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके. तो यहाँ पे आपका ये कार्ड है, तो जो भी कार्ड अच्छा लगे इंटिटिवली भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहेगुरु, उनका नाम लेके सेलेक्ट कीजिए. अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे. हे पाइल वन, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं. जनवरी से लेकर जून के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को, ठीक है. तो आप जल्दी से हो जाइए पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए होने वाली है, ठीक है. जिनसे आपकी शादी होने वाली है, क्या आप उस पर्सन से मिल चुके हैं या फिर अभी मिलना बाकी है, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चलेगा. तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए. और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा. दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनली बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली बुक कर सकते हो,
ठीक है, मैं नंबर नहीं देती हूँ, फेक एंड फ्रॉड से बस अवेयर रहिएगा। और पर्सनल रीडिंग पे आप लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, दिवाली ऑफर चल रहा है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत सारे टॉपिक पे रीडिंग दे सकते हैं, तो आप जो है जल्दी से अपने फैमिलीज के बीच में इस बातों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ और भी एनर्जी इस पर्सन की, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, मुझे एक बहुत ही रिच फैमिली से दिखाई पड़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, मतलब इनकी अट्रैक्ट करने की एनर्जी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरे डेक के और भी थ्रू और भी कार्ड्स में ले लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर किसी को अट्रैक्ट करने की एनर्जी, मतलब ये किसी को जानबूझकर अट्रैक्ट तो नहीं करते, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है एक सरप्राइज़ की तरह आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या ये आपके लाइफ में ऑलरेडी है या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को तो आप पसंद कर रहे हो, इस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। एंड देखिए, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, ट्विन फ्लेम शाइन की एनर्जी है, मतलब ये जिससे आपकी शादी होने वाली है इन फ्यूचर, वो आपकी क्या है, वो आपके ट्विन फ्लेम है, ओके। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी एक बहुत कार्मिक, खतरनाक कार्मिक बैटल से गुजर रहे हैं, लेकिन वो कार्मिक बैटल ख़त्म होगा और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे हैं, पर मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे 60-70% चांसेस है ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, और इनके साथ ही आपका ऐसा लग रहा है कि शादी होगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम चक्कर चल रहा है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है, और ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वो चीज़ चलते रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा सा कार्मिक बैटल होगा ख़त्म, उसके बाद आप दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। ये तो क्लैरिटी मिल चुका है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और ये उनके लिए डेफिनेटली है जिसके क्रश हो गए हो, करेंट पार्टनर हो गए हो, और जो सिंगल है उसके लिए मैं बता देना चाहती हूँ, ये अब जो मैं बताऊँगी वैसे इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है दिस वन, एंड ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, एक ही बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव पर्सन है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन एक गुड लिसनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे इंसान है जिसके अंदर टॉलरेट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टॉलरेंट हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा इनके वर्क प्लेस हो गए एंड बहुत जगह इनको प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके अंदर टॉलरेट करने की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे, और ये ऐसे होंगे ना कि दूसरों की बातें सुन लेते होंगे और सुन के रह जाते होंगे, वो चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है मुझे गुड लिसनर दिखाई दे रहे हैं, कम बोलने वाले हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है इनको ओवर शेयरिंग करना, अपनी सारी बातें किसी से बताना पसंद नहीं है, ठीक है। आपके जो पर्सन है ये काफ़ी शांत रहने वाला इंसान हो सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अवॉइड करते हैं ओवर शेयरिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये हमेशा लोगों को मौका देते हैं बात करने का, बोलने का, ठीक है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग घमंडी होते हैं जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन आपके पर्सन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या इनके लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये घमंड या एटीट्यूड दिखा सकते हैं या प्राइडफुल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी प्राइड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन नेचुरली बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है, और ये जो पर्सन है अपने सारे नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए सबसे बड़ा भगवान क्या है, इनके लिए सबसे बड़ा भगवान है सच्चाई, ट्रुथ, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा भगवान तो इनका ट्रुथ है, ठीक है। ट्रुथफुल इंसान मिल जाए, ट्रस्टवर्दी पर्सन मिल जाए, उससे बड़ी बात होगी क्या। तो ये चीज़ है, आपके जो पर्सन है किसी सामने वाले के पैसे को देखकर इज्जत नहीं करते, ये सामने वाले के रुतबे को देखकर या स्टाइल को देखकर, फैशन सेंस को देखकर या लुक्स को देखकर, मतलब उसको वैल्यू नहीं देते। वो कितना सच्चा है, वो कितना ट्रुथफुल है, उस चीज़ को देखकर ये जो पर्सन है वैल्यू करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ,
कि कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो एनर्जी है वो इनको बहुत इम्प्रेस करेगी, जैसे आप बहुत ट्रूथफुल इंसान होंगे, इनके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप झूठ नहीं बोलोगे, बोलोगे आप झूठ, ऐसा नहीं है, लेकिन इनसे नहीं बोलोगे, और इसी वजह से इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत कुछ लाइक क्रिएट होगा, ठीक है, बहुत सारी बुरी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वो इंसान है जो कि आपको इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेंगे, आपके लाइफ की इम्प्रूवमेंट में, हर एक एरियाज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होता है कि आपके जो पर्सन है ये, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया और ये खुद आपको हेल्प करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट में, आगे बढ़ने में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। तो एक सच्चा जो इंसान जिसे कह सकते हैं, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ऐसा है कि दूसरों की ज़रूरतों को जो है ना, ये पर्सन कभी अवॉइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये दूसरे के कोई इनसे हेल्प मांगा तो उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे जो पार्टनर होंगे या होंगी, क्या वो मेरा ख्याल रख पाएंगी, क्या वो नर्चरिंग होंगी, ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा या अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग होंगे या नर्चरिंग होंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होता है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। ये इंसान टाइम के बहुत ही ज़्यादा पंचुअल इंसान होंगे, ठीक है, जिसके वजह से इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड रहती होगी। और ये जो पर्सन है एक टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज दिखाई दे रहा है, और ये अपने नॉलेज को बहुत हम्बली जो है लोगों के साथ शेयर करते होंगे विदाउट एनी एरोगेंस। मैंने पहले ही बता दिया कि इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ है, बहुत टैलेंट है, बहुत नॉलेज है, लेकिन एरोगेंस ज़ीरो है, ठीक है, एरोगेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मुझे कुछ कार्ड क्लैरिफाई करने का मन कर रहा है तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले एन ऑफ़र, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से हो सकता है आपको प्रपोज़ल मिला है, इस पर्सन के सामने से आपको प्रपोज़ल मिला है और आप जो है रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ आए हो, ठीक है, या आए थे, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए, मैरिज की बात की जाए, कैसे शुरुआत होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है खुद सामने से आके आपको प्रपोज़ करेंगे। ओके, दिस वन। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनके अंदर म्यूज़िकल एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि म्यूज़िकल फील्ड से हो, ठीक है, मे भी चांसेस हो सकते हैं, और इनको वैदिक लिटरेचर का भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा चिंता में रहने वाले मुझे दिखाई दे रहे, बेफिक्र अपने लिए लेकर रहते होंगे, लेकिन बाकी सारे लोगों को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अपनी फैमिली को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि आपको लेकर ही ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्या रहने वाले हैं, चिंतित रहने वाले हैं, टेंशन में रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अपने काम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर ये एकदम बेफिक्र रहते होंगे, एकदम शांति से कॉफ़ी पीना, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और इनको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हो सकता है कि फ़र्स्ट मीटिंग में आप लोग मिले, रेस्टोरेंट वगैरह मिल सकते हैं, उस टाइम जो है ये पर्सन आपके आपको कॉफ़ी के लिए बोल सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ये इंसान को कुछ पीना हो गया, स्पेशली लाइक कॉफ़ी वगैरह, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं और बता देना, जैसे कि मैं इन शॉर्ट कह सकती हूँ उस कार्ड के थ्रू कि प्रपोज़ल जो है इनके तरफ से आपको मिलने वाला है, मैरिज प्रपोज़ल। देन यहाँ पे आपका है मास्टरी ऑफ भक्ति डिवोशनल अनुके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है एक योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, वैदिक नॉलेज में या फिर लिटरेचर में इनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, म्यूज़िक एबिलिटीज़ हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो गया हो, सिंगिंग हो सकता है, इनको बहुत अच्छे से गाना गाना आता हो, हो सकता है कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हो और भगवान के भक्ति सॉन्ग्स जो होते हैं डिवोशनल सॉन्ग वो सब गाते हो, इनका एल्बम रिलीज़ होता हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पर्सन की कुछ और भी एनर्जी, जैसे यहाँ पे आपके जो पर्सन है मेकिंग इट रेन। ओके, दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना,
तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप बिज़ी रहने लगोगे, अपने फैमिली से थोड़ा सा आप कट ऑफ कर लोगे, जो भी आपके मायके वाले हैं उनसे तो नॉर्मली बात है कि कट ऑफ होगा, लेकिन आपका फोकस जो है, आप दोनों का फोकस मनी पैसे कमाने पे होगा। आपके पर्सन अभी खुद मुझे बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, वो भी सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इनको कोई भी काम ट्रूथफुली करना, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ करना पसंद है, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के अंदर म्यूज़िक एबिलिटी भी है, आपके पर्सन के अंदर नॉलेज भी है, एज़ वेल एज़ आपके पर्सन के अंदर टीचिंग एबिलिटी भी है। तो आपके पर्सन, मैंने पहले ही बताया, ये प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और मे बी इनको मार्शल आर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मार्शल आर्ट्स वगैरह भी करते होंगे, मतलब दिखाई दे रहा है कि मार्शल आर्ट्स में इनका स्किल हो सकता है। अब मार्शल आर्ट में तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, लाइक कराटे हो गया हो, कुंग फू हो गया हो, मिक्स मार्शल आर्ट हो गया हो, ठीक है, जूडो हो गया हो, ठीक है, जो भी हो सकता है, तो वो सब इनको जो है आता होगा, या उसमें से कोई एक आता होगा, चाहे ताइक्वांडो हो, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सारे अपने कंट्रीज़ के कुछ कुछ होते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के अंदर एक वॉरियर एनर्जी है, आपके जो हस्बैंड होंगे या आपकी जो वाइफ होंगी, ठीक है, वो वॉरियर ही होंगी या वॉरियर ही होंगे, ठीक है, कोई भी तकलीफें, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तो उस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प करेंगे ये पर्सन। मतलब कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन को ट्रस्टवर्दी लोग पसंद है, साथ साथ इस पर्सन को पीसफुल लोग पसंद है। इतना आप जान लीजिए कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिले होंगे, पीसफुल लोगों से मिले होंगे, लेकिन इनके जैसा कोई पीसफुल नहीं रहा होगा, ठीक है। इनको तो बहुत ज़्यादा डिस्को वगैरह जाना कुछ खास पसंद है नहीं, इनको शांति से रहना पसंद है, ठीक है। उसके बाद ट्विन फ्लेम एनर्जी को थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये आखिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो कैसा कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कहना चाहते हैं, आई मिरर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन होगा, जैसे कि आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी मैं बता रही हूँ, आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, वो उसके मिरर होंगे, मतलब सेम टू सेम इनके लाइफ में भी वो चीज़ चल रहा होगा, मतलब जैसा आपका लाइफ है उससे इनके लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मतलब डेफिनेटली एकदम रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप मिरर में खड़े होते हो तो अपने आप को देखते हैं, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को, अपने बाहर की ब्यूटी को देखते हैं, लेकिन जब आप इनके सामने खड़े होंगे तो ये और आप दोनों की इनर ब्यूटी एकदम मैच करेगी। इनर ब्यूटी क्या हो गया, नेचर हो गया, सोचने समझने की क्षमता हो गई, काम करने की क्षमता हो गई, सब कुछ एक जैसा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, नोटिस हाउ वी आर वेरी सिमिलर एंड शेयर द सेम विजन। मैंने अभी जस्ट बोला, मैसेज भी आ गया कि यस, जब आप इनके सामने होगे, जब आप इनके साथ बैठोगे, काम करोगे, वर्क करोगे, शादी करोगे, ठीक है, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लव मेकिंग, प्यार, कुछ भी होगा, ठीक है, किस हक, तो वहाँ पे आपको फील होगा कि हम दोनों के प्यार करने का तरीका हो गया, चाहे लव लैंग्वेज हो गया, हर एक चीज़ तो एक जैसा है, आप नोटिस करोगे। मतलब आपके पार्टनर खुद आपको लव लेटर देकर ये कहना चाहते हैं कि जब तुम मेरे सामने होगे या जब तुम मेरे सामने होगे, तब तुम खुद नोटिस करना कि हम दोनों का जो विज़न है, देखने का तरीका है, और जो भी चीज़ें हैं, कितना सिमिलर है, और ये होगा भी, ओके। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं, देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अस दैट कैनॉट बी डिनाई। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, और ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी है, ये ऐसा कनेक्शन है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना ये खुद कर सकते हैं ना आप कर सकते हो, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना हुआ रहेगा। वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ टू बी टुगेदर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके करेंट पर्सन हो सकते हैं, बट आप दोनों को ही वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एट एनी कॉस्ट, अगर आप अपने करेंट पर्सन से शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी ये बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और गिव अप नहीं करना होगा और हार्डवर्क करना होगा, डेफिनेटली उस पर्सन से आपकी शादी होगी। जितने भी पाइल वन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करेंट पर्सन से आपकी शादी होने की चांसेस तो हैं ही, 100% चांसेस है, ठीक है। उसके बाद वो आपके ट्विन फ्लेम भी है, ये भी आप जान लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ साइन वगैरह भेज रहे हैं,
ठीक है, शाइन की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे साइंस भेज सकते हैं जिससे आपको फील होगा कि यही मेरे ट्विन फ्लेम पार्टनर है। ऐसा हो सकता है कि आप इनको देखते हो, आप इनको सामने से देखते हो, या आपके सामने बैठे हैं, वध कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, उस पर्सन से होगी आपकी शादी। उसके बाद यहाँ पे है प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी, मतलब आपकी मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए कैसा होगा, तो मैरिड लाइफ में बहुत ही लॉयल्टी होगी और प्रोटेक्शन होगा, आप लोग बहुत सेफ फील करेंगे और आपको अपने फैमिली की भी कमी महसूस नहीं होने वाली। ठीक है, आपको जैसे आपके ब्रदर, आपके फैमिली वाले प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रदरली लव मिला, वो प्यार आपको आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ से भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे प्रोटेक्ट करना हो गया हो, गाइड करना हो गया हो, तो स्पिरिचुअल एंड मोरल बहुत सपोर्ट मिलेगा, स्पिरिचुअल एंड मोरल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, और जितने भी ब्लैक मैजिक आप दरों के ऊपर की गई है, अगर है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की दिखाई दे रही है, कोई भी निगेटिविटी है, होता ना कि दोष लग जाना तो योग्य नहीं बनता शादी का, तो जो भी दोष लगा हुआ है तो उससे भी आप दोनों फ्री हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी दोष लगा हुआ नहीं रहेगा शादी के बाद, आप दोनों बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, कुछ लोगों के लिए मतलब 5 से 6% कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं, वो इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी उनसे आप मिलने वाले भी हो। देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, वो इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव करेंगे। आप कभी किसी काम के सिलसिले में कहीं चले गए तो आपके पर्सन हमेशा आपका इंतज़ार करेंगे, आपको एयरपोर्ट पर लेने को आएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता होगा जो कि आप दोनों अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपकी फीलिंग को फील कर पाएंगे और आप भी इनके फीलिंग को फील कर पाओगे, ऐसा कोई पार्टनर आपको मिल रहा है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है पहले भी आप रिलेशन में रहे हो, लेकिन ये कोई न्यू पर्सन है जिसको आप अभी चाह रहे हैं। ठीक है, पास्ट के तो कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे है आई विल डू थिंग्स राइट बिटवीन अस व्हेन आई कम फॉरवर्ड टू यू। अगर आप दोनों के बीच में भी कोई भी खिटपिट चल रही है, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले करंट पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यही पर्सन जो है कोई स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, देन इस पर्सन से आपकी शादी भी होगी। उसके बाद कार्मिक बैटल की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में थोड़ा सा कार्मिक बैटल चल रहा है। ये कार्मिक बैटल जैसे ही ख़त्म होगा, वैसे ही आप दोनों की मुझे यहाँ पे शादी होते हुए दिखाई दे रही है। ये कार्मिक बैटल कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है ग्रोथ एंड चेंजेस का आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यूनिवर्स को आप कमेंट में ये लिखिए और बोलिए कि मेरे कार्मिक बैटल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, कार्मिक सिचुएशन के जो साइकिल है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब मेरी शादी की योग्य बन चुकी है, अब मैं अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिल रही हूँ और उससे मेरी शादी होगी। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फिज़िकली आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट रहने वाले हैं, सेक्सुअली या फिर सेंसुअली कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव होगा आप दोनों के बीच में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और न्यू बिगेनिंग की एनर्जी है, तो आपके करंट पर्सन के साथ आपके न्यू बिगेनिंग की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे दो कार्ड्स को रखते हैं, मैं आपके रूनस रीडिंग भी करने वाली हूँ। रूनस रीडिंग क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। यहाँ पे मैंने पहले रूनस को मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मिक्स किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ के लिए कुछ वार्निंग, कुछ डिवाइन गाइडेंस या कोई ऐसी एनर्जी जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, रूल्स के थ्रू, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जो भी यहाँ पे एनर्जी है, पावर है, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। रूल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, फर्स्ट कार्ड। ओके, फर्स्ट रून है एंड यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं, दिस वन एरो का है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो साइन है, ये साइन आपको बता रहा है कि थोड़े से सैक्रिफाइस से आप गुजर सकते हैं। ठीक है, ये सैक्रिफाइस कब का सैक्रिफाइस है, ये मैरिज के पहले का सैक्रिफाइस है। ठीक है, मैरिज के पहले का थोड़ा बहुत आप सैक्रिफाइस करेंगे और उसके बाद जो आपका मैरिड लाइफ होगा वो बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल होगा। ठीक है, एंड ये जो साइन है वो है तिवास का, TIWAZ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आया है रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स में बताया जा रहा है कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो गुजरेंगे, उसके बाद आपके लाइफ में आएगा एक अच्छा पार्टनर। ठीक है, जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा। आपके रिश्ते में, आपके मैरिड लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सच्चाई होगी, जस्टिस होगा। ये पर्सन कभी भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, अब्यूसिव चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, अब जैसे अब्यूसिव वर्ड हो गया वो सब नहीं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ऐसा फील होगा कि आपने अपने मैरिड लाइफ को जीत लिया है, ठीक है, और विक्ट्री हो गई है आपकी मैरिड लाइफ की, ऐसा आपको फील होगा। और देखते हैं क्या रूल्स कह रहे हैं, तो रूल्स के थ्रू भी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है, आप दोनों के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट हो ही जाएगा। अब यहाँ पे एम जैसा साइन है, तो ये एम जैसा साइन बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा हारमोनी होगी और बहुत ही ज़्यादा पीस होगा। साथ साथ आप दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, काम करेंगे, पार्टनरशिप भी आप दोनों करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एम साइन आपको यही बताता है। अभी आप किस चीज़ की रीडिंग देख रहे हो, मैरिज की रीडिंग देख रहे हैं, और ये मैरिज की रीडिंग में यही इन्फॉर्मेशन है कि आपके रिश्ते में बहुत हार्मनी होगा और दोनों साथ मिलकर बहुत सारा काम हो गया हो, वर्क हो गया हो, हर एक चीज़ करोगे, क्योंकि पर्सपेक्टिव और गोल्स जो है वो तो सिमिलर होंगे ही होंगे। एक जैसे काम कर रहे हो, वर्क प्लेस पे भी हो सकते हो, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे एक और ले लेती हूँ मैं, रूल्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जो भी पावर है मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए, दिस वन। ओके, ब्यूटिफुल साइन, एंड ये साइन है फिर से सेक्रीफाइस का और ज़रूरत का, ठीक है। तो ये तीनों ही तीनों बहुत ज़बरदस्त मैसेज दे रहे हैं। सेक्रीफाइस की एनर्जी यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि कभी ना कभी तो आपको अपने मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो सेक्रीफाइस जो है आप दोनों को बहुत आगे लेकर जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत सारे ग्रोथ होंगे, ठीक है। नेवर लुक बैक, पीछे नहीं देखना है, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ स्टेप ले चुके हो तो वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कदम से कदम मिलाकर वो साथ आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो रूल्स की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिविटी दे रही है इस रीडिंग को करके। मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग किया है और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कितना ब्लेसिंग्स मिलेगा। सोचिए जब मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, तो आप दोनों का कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने न्यू पर्सन के साथ, कुछ लोग न्यू पर्सन न्यू लव के साथ होंगे, एक न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ अपने करंट पर्सन के साथ भी आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड है, वो भी एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, वो है सरप्राइज़ की एनर्जी। तो आपके जो पर्सन है, ये इंसान जो है ना, रिश्ते को कभी बोरिंग नहीं होने देंगे, ठीक है। आपका मैरिड लाइफ कभी बोरिंग नहीं होने वाला है। आपके मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा सरप्राइजेस रहेंगे, साथ साथ आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहने वाला है, ठीक है। अब मैं और भी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जैसे कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास लाइफ रिलेशन, कोई भी हो टॉपिक, ठीक है। चाहे करंट फीलिंग हो, रूल्स की रीडिंग हो, वो भी आप ले सकते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग हो, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी बुकिंग करोगे ना, क्योंकि दिवाली ऑफर चल रहा है, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट, तो आपको हर एक टॉपिक पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, सिर्फ लिमिटेड है। जी बी डी, उसके बाद है यहाँ पे आपका आई एस एक्स ओ पी टी सी, लास्ट वन इज एच, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। तो ये हो गया आपके पर्सन का नेम इनिशियल। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन का कंट्री, कौन से कंट्री के हैं आपके पर्सन। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, प्लीज़ गॉड, जो भी पावर है, एनर्जी है, मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले ये जो पर्सन है वो होंगे आपके ब्लीस कैनेडा, देन आपके पर्सन मुझे आयरलैंड के दिखाई दे रहे, कोसोवो, आइसलैंड, देन यहाँ पे आपके हैं पर्सन पलाऊ के, पाकिस्तान, देन है फ्रांस, ओके दिस वन, स्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और भी कंट्रीज मैं आपको बताती हूँ, पॉजिटिव रहना है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन सी कंट्री के हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपका फिजी,
डेनमार्क, फिलीपींस, स्वीडन, ओके, तो ये सारे कंट्रीज हुए। अब यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं, स्टेट भी आपको मैं बता दूँ ज़रा। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले स्टेट है इस पर्सन का अंडमान एंड निकोबार, ओके, राजस्थान। देन आपके जो पर्सन है वो है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, गोवा। देन आपके पर्सन जो है वो महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल। थ्री लास्ट यहाँ पे मैं बता दूँ, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड लास्ट वन इज़ बिहार। तो ये सारे जो हो गए आपके स्टेट हुए। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन जो है वो क्या है, इस पर्सन का प्रोफेशन, ओके। सबसे पहले है प्रोफेशन में आपके पर्सन एक इंटरटेनर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपके पर्सन सोशल वर्कर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, इवेंट प्लानर हो सकते हैं, ओके, एडिटर हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, डॉक्टर, प्रोग्रामर, एक्रोबैट, बायोलॉजिस्ट या फिर लैंडलॉर्ड, ठीक है। एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप सभी लोग। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, नेवी ऑफिसर, व्लॉगर, यूट्यूबर और क्या है यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। लास्ट वन इज डाटा एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ऑफिस मैनेजर, पायलट, डॉक्टर, एयर होस्टेस, मार्केटिंग मैनेजर, मीडिया बायर, फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर हो सकता है कि और भी स्पोर्ट्स में हो ये पर्सन, और देखते हैं क्या एनर्जी है। सबसे पहले तो यहाँ पे अब आपको पता चलेगा कि कहाँ मिलेंगे ये पर्सन आपको। तो सबसे पहले ये मिलेंगे आपको दिस वन, पेट्रोल पंप हो गया हो, वर्क प्लेस हो गया हो, एयरपोर्ट हो गया आपका, ट्रेन स्टेशन, फैक्ट्री, ऑफिस, होटल, फ्रेंड्स के बीच में चर्च, मार्केट, ऑटो स्टेशन, बेकरी, कैफे या नियर होम। देन ये पर्सन आपको मिलेंगे नियर होम, नियर पुल स्टेशन, सर्कस, पार्टी, योर सिटी, फ्रेंड्स, सेमिनार, डिस्को, होली प्लेसेस, टेंपल हो गया, ऑर्फनेज हो गया, मोबाइल स्टोर हो गया, गैलरी हो गया, एंड लास्ट वन देखेंगे वो है आपका पिज़्ज़ा हट हो गया हो, पार्क हो गया हो, स्टेडियम हो गया हो, प्ले ग्राउंड, गराज, मॉस्क्यू, जू, सुपरमार्केट या फिर कोई बार में आप गए हो, डिस्को में आप गए वहाँ पे मिल सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे है, नेचर वाइज कैसे है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो लुक्स में अगर देखा जाए फ्लैट नोज हो सकता है, कर्व लिप्स हो सकता है, लॉन्ग आईब्रोज, हाई चिक बोन, मीडियम स्किन कलर, टोन बॉडी, बफ, फ्लेक्सिबल होंगे, ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा, आई फुल होंगे और बहुत मॉडर्न होंगे, ठीक है। उसके बाद है गुड लुकिंग होंगे, फुल लिप्स होगा, ब्रिटिश कलर, सेल्फलेस होंगे, आपके पर्सन के अंदर कोई स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा, डीप सेट आइज होगा, फुल लिप्स, थिन लिप्स, टाइडी, डायनामिक एनर्जी होगी और बहुत लवली होंगे आपके पर्सन। देन आपके जो पर्सन है उन बहुत क्यूटिफाई हो सकते हैं, सुपर क्यूट होंगे, एंजेलिक लुक होगा, काइंड होंगे, हम्बल होंगे, पेल कलर होगा, मस्क्यूलर होगी पर्सनैलिटी, स्ट्रेट हेयर, ओल्ड फैशन, ठीक है, ओवल फेस, नैरो नोज, हार्ट शेप फेस या पॉइंटेड नोज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना आपके पर्सन के लुक्स के हुए। ध्यान रखिएगा कि पर्सन के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जीमेल एनिस्ट आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनिस्ट आई डी का जेनुइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवे रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट जो चल रहा है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से पार्टनर मिले। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। हे पाइल टू, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं। जुलाई से दिसंबर के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर है, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, क्या उस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर अभी मिलना बाकी है।
तो जल्दी से हो जाइए पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती। और जैसा कि यहाँ पे आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो अपनी बुकिंग तो जल्दी से जल्दी कीजिए और ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिलेगी। ये आपका ग्रेटेस्ट दिवाली डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए, मैं टैरो कार्ड्स भी आपके लिए ले लेती हूँ और मैं बताना शुरू करती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हो सकते हैं। तो अभी तक जो कार्ड्स आए हैं उसके थ्रू मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत ही लविंग पर्सन होंगे, जिसको अपने लाइफ में खुद प्यार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो चाहता है कि मुझे कोई प्यार करने वाला इंसान मिले। देखिए वाओ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन ने अपने आप को बचा कर रखा है वैसे लोगों से जो कि इनको यूज़ करने वाले थे। मतलब ये जो पर्सन है, ये कभी किसी से यूज़ होता है ना, हो जाना या टाइम पास हो जाना, कोई टाइम पास कर लिया हो तो हो सकता है छोटे मोटे लेवल पे हुआ हो, लेकिन ऐसे इन्होंने अपने आप को कभी किसी को यूज़ होने नहीं दिया, ठीक है। मतलब अपने आप को ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके और बचा कर रखे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही सिक्योर पर्सन होंगे, जिसकी हर एक फीलिंग जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगी, ये खुद भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। और इनका जो प्यार होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगा। प्रॉमिसिंग की दो दो बार एनर्जी आ चुकी है, मतलब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, जिस भी चीज़ के लिए आपके लिए आपसे प्रॉमिस करेंगे उन सारी चीज़ों को पूरा करके भी दिखाएंगे, वो चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, आवर लव इज़ रियल। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि जिसके साथ आपकी शादी इन फ्यूचर होने वाली है, वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और जो प्यार होगा वो बहुत ट्रू लव होगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस कार्ड के थ्रू। आपके जो पर्सन है, ये इंसान जैसे कह सकते हैं कि होता ना, प्यार चाहिए, प्यार अपने लाइफ में कोई तो ऐसा मिले, सब कुछ तो मिल चुका है पर प्यार ही तो नहीं मिला। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आप इनसे प्यार करोगे, जब आपकी इनसे शादी होगी, तब आपको रियल मायने में एक प्यार का जो पावर होता है वो समझ में आएगा, ठीक है। प्यार की जो रियलिटी होती है, प्यार कैसा होता है, वो सब कुछ आपको इस पर्सन के साथ रहकर समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपसे बहुत प्यार करता हो, जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हो, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हो, वो इंसान अगर है तो उन्हीं से आपकी शादी होगी। वरना बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बातों बातों पे सेपरेशन हो जाता है, बातों बातों पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे पर्सन से आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि यूनिवर्स ने आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही ब्यूटिफुली प्लान किया है। ऐसा प्लान किया है जिसमें कि होता है ना कि बहुत सारे लोगों का शादी के बाद भी डिवोर्स भी हो जाता है और लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, ठीक है। 4 दिन 10 दिन टिकता है शादी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यूनिवर्स आपको थोड़ा तकलीफ़ दे रहा है तो शुरुआत में दे चुके हैं, लेकिन अब जिससे आपकी शादी कराएंगे तो एक बहुत अच्छा मैरिड लाइफ आपको मिलेगा, कोई परेशानियाँ नहीं होंगी, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी किया गया है। तो ये बात आप जान लीजिए कि हो सकता है कि कार्मिक बैटल चल रहा हो या चल चुका हो, उस चीज़ से आप निकल चुके हैं, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी से निकल चुके हैं, ओके, सब कुछ वो चीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी वैसे इंसान से होगी, ठीक है, जो आपसे बहुत प्यार करेंगे, जो आपकी हर एक बातों पे हाँ में हाँ मिलाएंगे, कुछ गलत लगेगा तो बोलेंगे, सही चीज़ों की सपोर्ट करेंगे, गलत रास्ते पे भटकोगे तो वो पर्सन आपको सही रास्ते पर लेकर आएंगे, ठीक है, आपके साथ खड़े रहेंगे, स्टैंड लेंगे। अगर ऐसा कोई है, आपको लग रहा है कि हाँ ये है मेरे ऐसे पर्सन, तो वो इंसान आपके हो सकते हैं, उस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, आप उनको जानते हैं। वरना मुझे ज़्यादा चांसेस न्यू लव के दिखाई दे रहे हैं एंड न्यू पार्टनर के दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और न्यू लव का होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने कार्मिक से शादी कर लेंगे जो आपसे हमेशा लड़ाई झगड़े करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं, तो आपको ही दिक्कत होगी। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके लिए अच्छा प्लान किया है, इसमें थोड़ा सा सह सकते हो, लेकिन जो फ्यूचर की प्लानिंग होगी वो बहुत अमेजिंग होगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिसके अंदर प्यार के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं, प्यार को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड इंसान ये दिखाई दे रहा है,
और ये प्यार के लिए कुछ भी करने वाले हैं। प्यारे इनके लिए भगवान हो सकता है, प्यारे इनके लिए सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि कोई बहुत दर्दनाक पेन से गुजरे हो, लेकिन किसी एक ही रिलेशनशिप में रहे होंगे, उसके बाद वो पर्सन अपने आप को सेफ करके रखे हैं। उसके बाद हो सकता है कि कभी किसी दूसरे रिलेशनशिप में कभी गए ही ना हो, कभी हिम्मत ही ना हुई हो। अब इन्होंने मतलब ऐसा सोच लिया कि डायरेक्ट शादी होगी मेरी, मैं शादी करूँगा या फिर मैं शादी करूँगी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पेन इनको भी मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन नहीं सहे हैं, एक ही बार के रिलेशन में सहे हैं, बार बार रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ख़तरनाक जो लव रहा, लव रिलेशनशिप रहा, उससे इनका पेन रिलीज हुआ, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन जो है अभी भी इंतज़ार में है, ऐसा नहीं कि होपलेस हो गए, बहुत होपफुल है। इनको पता है कि सामने वाला धोखा दिया तो थोड़ी मतलब सब बुरा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अच्छे हैं, दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग बचे हुए हैं और उस अच्छे में से आप इनको पसंद आने वाले हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे श्री राम की एनर्जी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में सबसे पहले बात कि आपके पर्सन बहुत आदर्शवादी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, ठीक है, और आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार भी होंगे, काफ़ी ओबीडियंट टाइप पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके ऐसा लग रहा है कि कोई बातों को काटेंगे नहीं, आपने जो बोल दिया सो वो करके दिखाएंगे। और मैरिज में फिडेलिटी की एनर्जी है, मतलब इतना ज़्यादा फेथफुलनेस होगा कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा फेथफुलनेस आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में होने वाला है। और आप दोनों के बीच में जैसे कि अगर आप लोग सेक्सुअल कनेक्शन भी नहीं बना रहे, फॉर एग्जांपल आप लोग वो सब अपना डिसाइड करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी या फिर उसके बाद भी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा। होता है ना कि बहुत सारे लोग फिजिकल होने के बाद बोर होने लगते हैं, ख़राब फील करने लगते हैं, लेकिन आपके पर्सन और आप दोनों का प्यार रियल है। तो प्यार तो मतलब सोल से होता है ना, सोल टू सोल कनेक्शन होता है, सोलफुल कनेक्शन होता है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ सोलफुल कनेक्शन होगा, रियल लव होगा, ट्रू लव होगा। ये पर्सन जो है ज़रूरी नहीं कि आपके साथ फिजिकल होंगे तभी आपके लिए प्यार फील करेंगे, नहीं। ये पर्सन अगर आपके बगल में भी खड़े हैं तो भी ये पर्सन आपके साथ प्यार ही फील करेंगे, ट्रू लव को ही फील करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से इज्जत होगा एक दोनों के नज़र, मतलब दोनों के नज़र में एक दूसरे के लिए। और अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है, नेम फेम वाले इंसान फेमस पर्सन भी हो सकते हैं। तो जब आप इनसे शादी करोगे तो किस बात की दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बहुत आराम से शादी होगी और शादी में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है, शादी आपकी बड़ी धूमधाम से होगी और अरेंज मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। अरेंज मैरिज के चांसेस तो मतलब 80-90% दिखाई दे रहे हैं और 10-20% चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे, उससे प्यार होगा, देन आपकी शादी होगी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग इतना वेट नहीं करेंगे, अरेंज मैरिज करें, ये भी वाइब मुझे यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी है दिस वन, तो देखिए मैंने पहले ही बताया पावर एंड प्रेस्टीज, ठीक है। हर एक इंसान अपने लाइफ में क्या चाहता है कि पावर हो, प्रेस्टीज हो। आप भी चाहते होंगे कि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो जिसकी समाज में इज्जत होती हो, ठीक है, लोग इज्जत करते हो, प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो। और ये 11-11 हो रहा है जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, पहली बात आप दोनों का रिश्ता होगा। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनके लाइफ में भी बहुत पावर हो सकता है, पॉलिटिक्स के भी हो सकते हैं, या अगर पॉलिटिक्स के नहीं भी हुए तो भी गवर्नमेंट जॉब है और ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब जिसमें बहुत पावर, पोजिशन, अथॉरिटी हो, साथ साथ प्रेस्टीज, इनकी इज्जत बहुत अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इनकी इज्जत को मेंटेन करके रखना होगा। वैसे आपके पर्सन को लॉ का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, वर्ल्डली नॉलेज है, दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में या फिर और भी सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत नॉलेज है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको लॉ के बारे में नॉलेज है, मतलब लॉ के टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, लॉ के प्रोफेसर हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल मास्टर भी हो सकते हैं। तो मतलब इनके अंदर टीचिंग एबिलिटी है, कैपेसिटी है पढ़ाने की, और तो ये पर्सन आपके एक स्पिरिचुअल टीचर भी बनने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ वो किताब खोलकर आपको नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि और भी चीज़ें, ज़िंदगी का लेसन आपको सिखा सकते हैं। किताब खोलकर पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो हो सकता है वो भी कर दें, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन मुझे एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और हो सकता है कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर एंड उसके बाद फिर लोगों का प्रमोशन होता है तो मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ में जाते हैं, तो वो भी हो सकता है आपके पर्सन का। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैरिड लाइफ के बाद आपके एजुकेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपके पढ़ाई हो गए या जॉब हो गए, तो उसमें कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बल्कि सब कुछ अच्छा रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनको मेमोरीज़ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। बातों बातों पे मेमोरीज हमेशा ये पर्सन क्रिएट करते रहते होंगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, आपकी पिक्चर्स हमेशा लिया करेंगे, कहीं भी आप दोनों जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो। और शादी के बाद आपकी और इसकी दोनों की बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली है। साथ साथ आपके पर्सन को म्यूज़िक बहुत पसंद है, और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, ठीक है। एकदम मास्टरी तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कॉलेज स्कूल के टाइम में इन्होंने बहुत अच्छे से कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीखा हो, गिटार हो गया हो, पियानो हो गया हो, हारमोनियम हो गया हो, या म्यूज़िक सीखा है, म्यूज़िक एबिलिटी है, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस जो मैं देख रही हूँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी पहली मैरिज हुई, टूट गई, अब आप सेकेंड मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई पसंद आ रहा हो या आ रही हो, तो जानना चाहते हो कि होगी या नहीं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होगी शादी, टेंशन की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके जो पर्सन है, किंग ऑफ कप्स है, तो किंग ऑफ कप्स आपको बता रहा है बहुत मैच्योर और कंपैशनेट इंसान है, और बहुत फ्रेंडली इंसान है। इनके दोस्त बहुत हो सकते हैं, कुछ फीमेल फ्रेंड, कुछ मेल फ्रेंड, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो ये चीज़ है, इनके बहुत सारी फीमेल फ्रेंड होंगी, या मेल फ्रेंड होने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि ये धोखा नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड तो फ्रेंड है, बहुत सारे पहले से फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, तो वो चीज़ होगा। एंड ये जो पर्सन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पे जब शादी होती है तो लोग चाहते हैं कि जो मेरे पार्टनर हो वो रोमांटिक भी हो। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या हम दोनों के बीच में बहुत सारा रोमांस होगा, प्यार होगा, क्या मेरे जो पार्टनर है वो रोमांटिक होंगे या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो हर एक मामले में, जैसे कि अगर भगवान की पूजा करनी हो तो वो भी कर रहा है, ठीक है। फैमिली को लेकर सीरियस होना हो, फैमिली को कुछ प्रोवाइड करना हो, हेल्प करना हो, सपोर्ट करना हो, तो वो भी कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब आपसे शादी करेंगे, तो ये अपने जो भी फ़र्ज़ होंगे उस मैरिड लाइफ में, उसको भी निभाएंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत रोमांटिक पर्सन है, चार्मिंग पर्सन है, डिवोटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है, और बहुत ही ज़्यादा जेनरस इंसान है। इनको लाइफ से कोई बहुत बड़ा चीज़ें चाहिए नहीं, ठीक है। इनको जो चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, ठीक है, जिसके ये अच्छे से हस्बैंड या अच्छी सी वाइफ बन सके। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे हस्बैंड या बहुत ही अच्छी वाइफ या एक बहुत ही अच्छे पार्टनर या बहुत अच्छे फादर या मदर बनने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ये आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी प्रॉमिस करेंगे तो उसको वो निभाएंगे भी, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो मैरिड लाइफ होगा, सबसे पहली बात, इस मैरिड लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत सारे वादे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा वादा करेंगे। और इस पर्सन से शादी करके आपको बहुत सिक्योर फील होगा। हो सकता है आप सेकेंड मैरिज करने वाले हो, फर्स्ट मैरिज से आप डर चुके हैं, ठीक है, सेकेंड मैरिज में डर लग रहा है। हो सकता है पहले रिलेशनशिप में रहे हो, तो पहली बार शादी करने में डर लग रहा हो। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि पर्सन बोर नहीं होंगे आपसे, ये तो आपने लाइक ऐसे लग रहा है कि स्टक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है, स्टिक हो जाएंगे, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। तो यस, आपके जो पर्सन है, चाहे वो कितने बिजी भी रहेंगे ना, तो भी ये पर्सन जो है, जो भी प्रॉमिस किया है, जो भी वादे किए हैं, उसको पूरा करेंगे, पूरा करके दिखाएंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके जो पर्सन है उनका जोडिक साइन होगा। और आपके जो पर्सन है, इनके अंदर मदर फिगर या फिर फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन के अंदर होगी, ठीक है। और अगर बात की जाए कि आप दोनों का मैरिड लाइफ कैसा होगा, तो मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए तो बहुत ही कंपैटिबल होगा आप दोनों का जोड़ी, और बहुत सेंसुअल लव होगा। आप दोनों का जोड़ी ऐसा होगा ना कि मतलब लोग जो है जानेंगे, लोग जो है बातें करेंगे कि देखो जोड़ी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो जोड़ा है, ये सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर सिर्फ मतलब रखते हैं, अपने से मतलब रखते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आप दोनों का होगा। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है, वो आपको हग करना, ठीक है, फुल बॉडी हग करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि वो आपको गोद भी उठा ले, तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में प्यार होगा, स्लो डांस होगा,
ठीक है, स्लो डांस जो हग होता है उस तरीके से भी करेंगे। मैं आपको लव लैंग्वेज बता रही हूँ, या हार्ट टू हार्ट ये पर्सन आपसे पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों के बीच में होने वाला है। और आपके पर्सन शुरुआत में तो थोड़े सीक्रेटिव होंगे ही होंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अपना काम हो गया, बिजनेस हो गया, उतना वो सारी चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, इनके पास टाइम रहेगा कि जो टाइम मिले उस टाइम में आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, आपसे बातें कर सके और इन्जॉय कर सके। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि स्किप हो जाएगी इस पर्सन से, जैसे काम से रिलेटेड बातें, लेकिन आपके साथ बहुत ही सेड्यूटिव एंड पैशनेट लव जो है वो हमेशा बना हुआ रहेगा। उसके बाद फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पर्सन जो है थोड़े कंजूस दिखाई दे रहे हैं पैसे के मामले में, लेकिन जब आप इनके लाइफ में आओगे तो इनका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। बात यहाँ पे ये है ना कि आपके पर्सन जो है पैसे सेव करके रहने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं, मतलब फिजूल खर्च, फालतू के खर्च करने वाले नहीं है। तो अगर आप इसे कंजूस समझ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपके पर्सन जो है थोड़े बहुत उस मामले में हो सकते हैं कंजूस। ठीक है, इनको पैसे सेव करना, इधर उधर पैसे बिना मतलब के खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, फिजूल खर्च करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ठीक है, और आपके पर्सन जो है एक बहुत ही सॉलिड पर्सन दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत बहुत दूर तक, मतलब लॉन्ग लास्टिंग आप दोनों का मैरिड लाइफ होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कुछ और भी बातें, जैसे है डिवाइन टाइमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आपका मिलने का इस पर्सन से हो सकता है 3 महीना या 2 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं वी आर ऑन द जर्नी एंड द डिवाइन डांस ऑन द सोल प्लेन। ठीक है, इट विल मैनिफेस्ट इनटू फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से आप नहीं मिले हैं, इन फ्यूचर आप इस पर्सन से बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ब्यूटीफुल वे में मिलेंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आवर लव इज़ रियल, ट्रस्ट इन अस एंड इन द गाइडेंस ऑफ द हायर पावर, हैव फेथ दैट इट इज़ सेफ टू लव मी एज मच एज आई लव यू। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे, आप भी इनसे बहुत प्यार करोगे और ये जो फीलिंग आपके अंदर होगा इनके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा उसकी कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसको एकदम सेफ करके रखना चाहेंगे। ठीक है, आप दोनों का यूनियन जो होगा ना, आप दोनों जो शादी होगी, यूनियन होगा, बंधन में बंधोगे, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, विल बी प्रोटेक्टेड बाई एंजल्स एंड वी आर डेस्टिन टू बी टुगेदर। आप दोनों डेस्टिन पार्टनर भी हैं, साथ साथ ये जो रिश्ता है वो एंजल्स हो गए, भगवान हो गए, जैसे भी आप मानते हैं, उनके द्वारा प्रोटेक्टेड रहेगा। और आपका जो लव है वो डिवाइन एंड अनकंडीशनल होगा। आपके पर्सन आपको इस तरह से लव लेटर भी देना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, आवर लव इज़ ट्रू, डिवाइन एंड अनकंडीशनल। हमारा प्यार ट्रू है, अनकंडीशनल है और बहुत ही ज़्यादा डिवाइन लव है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है, आपके जो पर्सन है बहुत सारे साइन देते हुए आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। ठीक है, जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको बहुत गेनिंग होगा, गेनिंग सा फील होगा, जैसे स्ट्रेंथ, करेज का। ठीक है, और बहुत ब्राइटर फ्यूचर लगने लगेगा, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगने लगेगा, कूल लगने लगेगा। तो समझ जाना कि इस पर्सन से आपकी शादी होगी। सो आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो कि आपसे प्रॉमिस करेंगे, उसको निभाएंगे। आई प्रॉमिस आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। कभी भी कोई दिक्कतें आएगी, कोई प्रॉब्लम्स आएगी, ये प्रॉमिस करते हैं कि सारे प्रॉब्लम को ये खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, यू अमेज मी विथ योर कम्पैशन एंड काइंडनेस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो काइंडनेस है और कम्पैशन है वो इनको बहुत ही ज़्यादा, आपका जो काइंडनेस और कम्पैशन है वो इनको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है, अच्छा लगने वाला है। आप हो सकता है पहले रिलेशन में रहे होंगे, बहुत रिग्रेट किए होंगे, बहुत असहमत एंड बहुत एम्बेरस फील किए होंगे, लेकिन आपके ये जो पर्सन है ये कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ सहने नहीं देंगे, आपको बहुत सेक्रीफाइस नहीं करने देंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कभी ना कभी कुछ तो होगा, लेकिन ये कन्फर्म करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपकी रूल्स रीडिंग है, तो रूल्स मैं देखती हूँ कि रूल्स क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पर्सनल के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग जो है ना अपनी पर्सनलिंग बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो इस ग्रेटेस्ट डिस्काउंट का आप लोग सभी लोग फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। रूल्स की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके, पहला आ चुका है। ओके, देखिए जो रूल्स होते हैं उसमें सिंबल होते हैं, सिंबल्स अपने मीनिंग्स बताते हैं। तो ये जो सिंबल आया है यहाँ पे,
इस सिंबल का आपके मैरिड लाइफ के लिए क्या है मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सिंबल आपको बता रहा है कि आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में बहुत प्रोटेक्शन होगा, ठीक है, बहुत ही ये प्रोटेक्शन का ही सिंबल है। तो ये आप रीडिंग भी देख रहे हैं मैरिज के लिए, ठीक है, तो ये मैरिज के लिए बताया जा रहा है कि रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, प्रोटेक्शन होगा, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि घूमना फिरना ट्रैवल भी आप दोनों के बीच में हमेशा बना हुआ रहेगा, जैसे हनीमून पे जाना हो गया हो, वो सब भी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और देखते हैं क्या है रूनस, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, रूनस में क्या एनर्जी है, रूनस के थ्रू क्या मैसेज है, पहला। दूसरा है ये आपका दिस वन, ये मैनिफेस्ट की एनर्जी को दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान को आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसे इंसान आपको मिल सकते हैं, वो पोटेंशियल वो पावर आपके अंदर है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि अपने अंदर की एनर्जी को, अपने अंदर के पावर को जगाइए, अपने अंदर के टैलेंट को जगाइए, बिकॉज रूल्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपने किसी को इमेजिन किया है, आपने किसी को फील किया है, तो उस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, लेकिन पहले आपको मैनिफेस्ट करना होगा। मैनिफेस्ट करके अगर आप चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे नहीं मिल सकता है, तो आप अब क्या कर सकते हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और मैनिफेस्ट करके उस इंसान को अपने लाइफ में लेकर आ सकते हो। और देखते क्या एनर्जी है, ठीक है, रूल्स प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जो भी यहाँ पे पावर है गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ओके, सो यहाँ पे वी जैसा सिंबल है, एंड ये वी जैसा सिंबल है, जैसे इसे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, और ये सिंबल नॉलेज एंड क्रिएटिव पावर को दिखाता है। मतलब आप दोनों का रिश्ता से प्यार तक अटका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ही क्रिएटिव होगा, और आप दोनों मिलके एक बहुत पावरफुल पर्सन बन सकते हैं और दुनिया के बहुत सारे नॉलेज गेन करेंगे। जैसे आप दोनों ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, तो ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो नई नई चीज़ें सीखेंगे, नॉर्मल सी बात है। और देखते हैं क्या है आपके लिए रूल्स की तरफ से मैसेजेस, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ पावर, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ फोर्सेस गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स दिस वन। ओके, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये साइन। और देखिए फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ रूल्स की, अगर आप लोगों को अपना रूल्स का पर्सनल रीडिंग चाहिए होगा तो भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये बता रहा है हार्वेस्ट की एनर्जी को। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए, जो इस जन्म में रहकर आपने सैक्रिफाइस किया, मेहनत किया, अच्छे कर्म किए, उसका आपको गुड रिजल्ट, बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। हार्वेस्ट की एनर्जी है। ब्लास्ट कुछ साल में आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, इंतज़ार किया शादी के लिए, या सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा किए हैं, रिलेशनशिप में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है। तो ये बताया रहा है आपको कि ये जो सैक्रिफाइस है ना, ये आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये सैक्रिफाइस आपको बहुत कुछ दिलाएगा और इन फ्यूचर आपको बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और मैसेजेस देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस पर्सन का स्टेट क्या है, कौन से स्टेट के हैं, प्लीज़ कॉल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले ये पर्सन मुझे उत्तर प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये पर्सन कर्नाटका के हो सकते हैं, और देखते हैं क्या है, उत्तराखंड हो गया आपका, नागालैंड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, पंजाब। उसके बाद आपके पर्सन हरियाणा के भी हो सकते हैं, ठीक है, और देखते हैं पुडुचेरी, मेघालय, मध्य प्रदेश, केरला, एंड लास्ट फोर जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एंड लास्ट वन इज चंडीगढ़। तो ये सारे जो हो गए स्टेट्स हो गए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है आपका इन लॉस के साथ कनेक्शन। इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव रहिए, अलाइन हो जाइए, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इन लॉस के साथ मैं कनेक्शन बता दूँ आपको, ओके, सबसे पहले है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफ़ी कॉम्पिटिशन लग रहा है मुझे यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे हो ना,
वैसे इनके फैमिली में, इन लॉज में और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। जैसे आपने जिससे शादी की उनके और भी भाई बहन है, उनके और भी मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी होंगे, उनसे कंपटीशन होता है ना, जो कि बाहर से आए हुए हैं उनके फैमिली में, तो वो बहुत टफ कंपटीशन टाइप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो इन लॉज में लोग होंगे वो आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उतना ओपन नहीं फील करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओके, दिस वन थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उतनी सारी खुशियाँ जो आप इमेजिन कर रहे हैं लॉस के साथ, वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ इन लॉस से आपको नहीं मिलने वाली, बल्कि कंपटीशन दिखाई दे रहा है। और लवर की एनर्जी है, पर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा भी है, ठीक है, जो कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई साथ दे या ना दे, आपके पर्सन हमेशा आपके साथ होंगे, लवर बन के, आपके सोलमेट बन के आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये लॉस आपको लो फील कराने की कोशिश करे, लेकिन आपके पार्टनर जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्पेक्ट जो है आपकी बनाकर सभी की नज़र में रखने वाले हैं, ठीक है। तो लवर मतलब ऐसा है कि इन लॉस तो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं कॉम्पिटिशन करने की, मतलब आपका कोई लॉस नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ अपने बातों से हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ और भी बातें बता दूँ, जैसे कि कोई एक इंसान तो ऐसा ज़रूर हो सकता है वहाँ पर जो कि बहुत सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है। आपके हस्बैंड आपके वाइफ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोई एक एक्स्ट्रा और दिखाई दे रहा है जो आपके ही जैसा हो एज का, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा या सपोर्ट करेगी, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और सेम जेंडर के होंगे इन लॉज में आपके वो इंसान, ठीक है। तो ये इन लॉज के लिए मैसेजेस हैं, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सो देखते हैं कि लव सॉन्ग क्या देना चाहते हैं वो आपको। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है आई विल ऑलवेज लव यू बाई डॉली पैटर्न एंड लव योर सेल्फ। देखिए यूनिवर्स भी इस तरीके से कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी है, तुम चाहती हो या तुम चाहते हो कि तुम्हें प्यार करने वाला कोई मिले, सो फर्स्टली लव योर सेल्फ, देन कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको बोलेगा आई विल ऑलवेज लव यू। तो ये दो सॉन्ग है, आई विल ऑलवेज लव यू बाई डॉली पैटर्न एंड लव योर सेल्फ बाई जस्टिन बीबर। तो ये दो सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। सबसे पहले आपके पर्सन का नेम इनिशियल है MSQUDDWZ। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आई है XAOT एंड लास्ट वन इज P। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये कौन से कंट्री के हैं। पॉजिटिव रहेगा आप सभी लोग। कंट्री की अगर बात की जाए तो ये पर्सन हो सकते हैं साइप्रस, अल्बेनिया, यूरुग्वे, स्पेन, दिस वन स्पेन, यस, ओके। देन यहाँ पे है मैसिडोनिया, ओके, देख सकते हो आप लोग, जॉर्जिया, लास्ट यहाँ से टू देखेंगे वो है आपका बांग्लादेश एंड आपका है यहाँ पे न्यूजीलैंड। तो पहले ये कुछ कंट्रीज़ हो गए, अब मैं कुछ और भी कंट्रीज़ बता दूँ आप सभी लोगों को। सो आपकी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे ज़रूरी है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है आपके पर्सन इटली, Trinidad and Tobago, Saudi Arabia, Croatia and USA, फोर लास्ट मैं आपको बताऊंगी अब। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका पाकिस्तान, देन आपका हो सकता है कोसोवो, आयरलैंड, ठीक है, एंड
कैनेडा, लास्ट वन वो है आपका, ओके तो यहाँ पे आपका है लास्ट वन इज इंडिया, ठीक है। तो ये सारे जो है कंट्रीज जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज, फिजिकल अपीयरेंस, नेचर कैसा है, ठीक है। सारे आपके हैंडमेड चीट्स हैं, तो सबसे पहले आपका दिस वन, राउंड आईज, अम्यूजिंग, एवरेज हाइट, काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, केयरिंग होंगे, इनकम्पेरेबल, टॉकेटिव, फेयर, गोरे होंगे। उसके बाद आपके पर्सन बहुत फैबुलस होंगे, बो शेप लिप्स हो सकता है आपके पर्सन का। उसके बाद आपके जो पर्सन हैं काफ़ी प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव ये पर्सन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका है डायमंड फिश, हर शेप फिश, रेक्टेंगल या ओब्लॉन्ग फिश हो सकता है। मस्क्यूलर होंगे आपके पर्सन, अट्रैक्टिव एस्थेटिक लुक होगा। उसके बाद है आपके जो पर्सन होंगे वो मॉडर्न लुक वाले होंगे, ठीक है, फॉर्मल लुक, फ्रेंच लुक, कैजुअल लुक, ऐसा हो सकता है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, क्रूक लिप्स, ओके, इनक्रेडिबल। उसके बाद ब्राउन हेयर कलर, योर लवर टॉल, फ्रिम, ब्यूटीफुल एंड बिग आईज। उसके बाद यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है। देन आपके जो पर्सन है शॉर्ट हेयर हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, देन बिग आईज हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। एंड लास्ट कुछ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप इस पर्सन से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, कहाँ मिलोगे फर्स्ट टाइम, फिर प्रोफेशन मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप इस पर्सन से मिलेंगे टेम्पल, कैफे, ऑफिस, मॉल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, ठीक है, पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डिपार्टमेंट स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप इस पर्सन से हॉस्पिटल में मिले, ठीक है, ओके, डिपार्टमेंट स्टोर। एंड एक लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका दिस वन, दिस वन, स्कूल, लाइब्रेरी, बुक स्टोर, पोस्ट ऑफिस, फार्मेसी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बैंक या फिर बस स्टॉप, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्लेसेस जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिलोगे। उसके बाद है यहाँ पे आपका दिस वन, तो सबसे पहले है एल्गोरिथम इंजीनियर, एयरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, लोन ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, टीचर, ट्यूटर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट, नर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और देखते हैं, ओके, पेंटर, रीजनल मैनेजर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, ब्यूटिशियन, बैंक पीओ, जज, कस्टम ऑफिसर, लॉयर एंड बैंक क्लर्क। एंड लास्ट वन इज मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, रिसेप्शनिस्ट, डिज़ाइन इंजीनियर, यूजर इंटरफेस डिजाइनर, सेल्स इंजीनियर, एडवोकेट या मैजिशियन। तो ये सब जो है आपके पर्सन के हो गए प्रोफेशन। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्यूचर में बहुत सारे ब्यूटीफुल रीडिंग आते रहेंगे, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। वैसे भी आपका डिस्काउंट ऑफर ऑन है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से अपनी बुकिंग कर लीजिए। ये दिवाली का आपका डिस्काउंट ऑफर आप सभी को मिल रहा है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।